अब तस्वीर पानीपत की आपको दिखाते हैं, जहां पर एक युवक के साथ इंसानियत को तार तार करने वाली दरिंदगी को अंजाम दिया गया है। पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक सभ्य समाज में अपराध की कोई जगह नहीं, एक सभ्य समाज में अपराधी की कोई जगह नहीं। अपराध और अपराधी पर लगाम लगाने के लिए एक संस्था होती है, जिसे कहते हैं पुलिस, जिसे कहते हैं कानून, जिसे कहते हैं न्यायपालिका, जिसे कहते हैं व्यवस्था। लेकिन पुलिस, कानून, न्याय और व्यवस्था से भी आगे जब खुद ही फैसला ऑन द स्पॉट करने वाली मानसिकता हावी होने लगती है, तो उसे कहते हैं जंगल राज। ये जंगल राज है, ये कानून पर तमाचा है, ये पुलिस का मजाक है, ये न्यायपालिका पर सवाल है। सवाल ये कि हम तो खुद निपटेंगे, तुम क्या ही कर लोगे। ये सवाल न सिर्फ दागा गया, ये कांड न सिर्फ अंजाम दिया गया, बल्कि इसे बाकायदा कैमरों में रिकॉर्ड किया गया, इसे सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया। इस शख्स को इसके किए की सजा के तौर पर जलील करने के लिए डिजिटल रास्ता अपनाया गया। लेकिन रिकॉर्ड करने और अपलोड करने वाले ये भूल गए कि जलालत तो वो खुद भी कर रहे हैं, घिनौनेपन पर वो खुद भी उतर आए हैं। ये शख्स करनाल के बलेड़ा गांव का रहने वाला है, जिसके साथ पानीपत में इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया। आरोप है कि युवक को पकड़कर पीटा गया, उसे निर्वस्त्र किया गया, मानव मूत्र पिलाकर उसे जलील किया गया, उसका सिर मुंडवाया गया, उसके साथ गाली गलौज किया गया। और इस सब से भी जब मन नहीं भरा तो ये सब रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। इस युवक पर आरोप अपनी साली को भगाने का था, और इस आरोप को दोष में बदलकर खुद ही दोषी को सजा देने का साहस करने वाले ये लोग खुद इसी के अपने रिश्तेदार थे। आरोप है कि रिश्तेदारों ने ही एकजुटता का ऐसा परिचय दिया कि सरेआम युवक को अपनी ही नजरों में गिरा कर रख दिया। पकड़ के लाके मारा जी ने, मारे मारे के लिए अर्जी भूत बुलाया जी, बलात्कार भी करा जी, नंगा कर कर वीडियो देख लो आप। बकल जी, हमारे पास तो फोन आया था कि भाई एक लड़का पकड़ रखे है हमने, उसकी वीडियो आई थी यहाँ, तो उसे पेशाब भी पिला रहे हैं और नंगा करके भी घुमा रहे हैं, और बता रहे हैं वो तीन आदमियों ने बलात्कार भी करे मेरी साथ पानीपत के अंदर। हमारी बिरादरी के हैं वो, परिवार के से एक ग्राउंडे से बता रहे हैं हमें, वो उठा के ले गया कोई पंजाब से, वो आया था। वजह ये है जी, उनकी को बांड भून है जी, है अगे भी इसके साथ छेड़खानी करके जो भगा रखी है हमारी बांड इसने, इसकी वजह से जनाब इसको ग्राउंड से उठाया, इसको हारून को, और इसको ले गए जनाब पानीपत। हाँ। इसको इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी, खुद अपनी अदालत बनाकर खुद सजा दी जी, इसको जी नंगा करके, और जी इसको मतलब घुमाया और इसको वीडियो बनाई जी इसकी, उसके बाद में जी इसको पसा पलाया जी, खुद अपना पसा पलाया इंसान का, उसको ईमान खराब करे जी उसका, ठीक पसा पलाया जी, और उसके साथ जी बहुत गलत काम करे जो नहीं किसी के साथ हो सकता, वो अरुण के साथ करे जी। अरुण ने अगर कोई गलती कर रखी थी उसके लिए कानूनी कार्रवाई थी जी, लेकिन इन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया जी। अब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर आने के बाद सुर्खियों में है, पूरा मामला हेडलाइंस बन रहा है, कानून जाग रहा है, व्यवस्था चौकन्नी हो रही है, और मामले में अब जाकर कार्रवाई की गुंजाइश जाग रही है। पानीपत जदीप राठी के साथ ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज हरियाणा। और अगली खबर रेवाड़ी से, जहां पर औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा में एक ट्रैक्टर और कार की टक्कर हुई है। इस टक्कर में एक मजदूर की मौत की खबर है, जबकि दर्जन भर लोग घायल भी हुए हैं। ये सभी मजदूर राजस्थान और झारखंड के रहने वाले हैं। करीब 15 लोग इस ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे, और इस बीच वे दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने ट्रॉली को टक्कर मार दी। इस घटना के बाद कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि स्थानीय लोगों ने हादसे के बाद एम्बुलेंस को फोन किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। एक शख्स की इसमें मौत हुई है जो झारखंड का रहने वाला है, जबकि दो मजदूर बुरी तरह जख्मी हैं जिन्हें रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। 5:40 पर फोन आया था, अगर जयपुर से दिल्ली रोड पर एक्सीडेंट हो गया,
तो वहाँ मौके पे पहुँच के देखा तो ट्रॉली पलट गई थी, जिसको पीछे से एक्सयूवी 300 जो महिंद्रा की है उसके टक्कर लगने से टायर फट गया। अगली खबर अंबाला से है, जहां पर एक युवक की कार को शरारती तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। आगजनी से कार का अगला हिस्सा पूरी तरह जलकर राख हो गया है। अंबाला कैंट बिहारी लाल बिल्डिंग के निवासी गौरव कुमार ने कुछ महीने पहले ही ये कार खरीदी थी। बीती रात शरारती तत्वों ने इस कार में आग लगा दी और ये घटना वहाँ लगे CCTV में भी कैद हुई है। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दी है और अब पुलिस इस मामले में जाँच कर आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मुंह पर कपड़ा बांध कर आया था और कार को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल केस दर्ज हो चुका है और छानबीन जारी है। तो शिकायत प्राप्त हुई हमें कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के कार में आग लगाई है, उस पर हम FIR दर्ज करके जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही दोषी को गिरफ्तार कर रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, कुछ और खबरें ब्रेक के बाद, आप बने रहिए PTC News के साथ, जल्द लौटते हैं।